फ्रेंड्स, फिर से आज हम आए हैं ऐसा एक वीडियो लेके जिसमें आपको मैंने पूरी पूरी कोशिश करी है कि सारे के सारे आंसर्स, सारे के सारे सॉल्यूशंस अबाउट चोकाई यानी कि लिसनिंग, जापानीज लैंग्वेज में लिसनिंग में परफेक्ट कैसे बने, लिसनिंग में चाहे आप JLPT दे रहे हों, चाहे आप नेट का एग्ज़ाम दे रहे हों, चाहे आप इंटरव्यू दे रहे हों, या फिर आप अगर वीज़ा के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं, या फिर अगर आप किसी जापानीज से वैसे ही काइवा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो ये सारे सारे सॉल्यूशंस किस मेथड से हम प्रिपरेशन करें, सारे सॉल्यूशंस हमें उसी में ही मिल जाएं, चाहे मुझे 2 महीने 3 महीने 4 महीने लगें, लेकिन मुझे अलग अलग चीज़ों की अलग अलग प्रिपरेशन ना करनी पड़े। अगर मैं इस मेथड को फॉलो करूं, अगर मैं इस तरीके से अपनी जापानीज लैंग्वेज लिसनिंग की प्रैक्टिस करूं, चाहे वो बिल्कुल बेसिक है, चाहे वो बिल्कुल एडवांस है, चाहे मैं N5 दे रहा हूं, चाहे मैं N1 दे रहा हूं, अगर मैं इस मेथड से करूं तो मुझे सारे सॉल्यूशंस मिल जाएं। अगर JLPT की लिसनिंग का क्वेश्चन है, नेट का क्वेश्चन है, इंटरव्यू क्वेश्चन है, तो आइए फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी पूरी कोशिश है इन 4 स्टेप्स में सारी बातें बताने की कोशिश करूंगा। आपको इन स्टेप्स को जंबल नहीं करना है, इन स्टेप्स को इसी तरह से ही फॉलो करना है, जैसे पहला स्टेप ये होता है, दूसरा स्टेप ये है, तीसरा स्टेप ये है। इस वीडियो को बार बार देख के इन स्टेप्स को याद करिए और फिर अपनी जापानीज लैंग्वेज लिसनिंग में मास्टर बन जाइए। देखिए, पहले मैं आपको शुरू करने से पहले बता देता हूँ कि आपको कोई भी एक ट्रैक है, मान लीजिए एडवांस का एक ट्रैक है, ट्रैक का मतलब होता है क्वेश्चन, और क्वेश्चन में अगर आंसर्स आपको देखने को मिल रहे हैं, मतलब 4 ऑप्शंस हैं, तो भी आप यही मेथड से प्रैक्टिस करिए। और अगर वो ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको 4 ऑप्शंस सुन के मतलब सुनाई दे रहे हैं और सुन के आपको चूज़ कर रहे हैं, तो भी बिल्कुल इसी ट्रैक को, मतलब इसी मेथड को फॉलो करिए। सेम टेक्निक मैं अपने हमेशा स्टूडेंट्स को क्लास में समझाने की कोशिश करता हूँ, चाहे वो N1 हो, चाहे N5 हो, क्योंकि सही तरीका बिल्कुल यही है। वेलकम टू Nihongomax, मेरा नाम है रवि, चलिए शुरू करते हैं। स्टेप नंबर 1, सबसे पहला स्टेप, देखिए सबसे पहला तो स्टेप आता है कि आपको एक टारगेटेड ऑडियो को कलेक्ट करना है। इसका मतलब है कि मान लीजिए अगर आप N3 दे रहे हैं तो N3 के ही ऑडियोज़ मेरे पास होने चाहिए। जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ सोचते हैं कि लिसनिंग का मतलब होता है कि भाई मैं कुछ भी सुन लूँ, कोई थोड़ी प्रैक्टिस कर लूँ, कहीं से सुनाई दे जाए। जैसे मैंने कोई वीडियो देखा, यूट्यूब पे वीडियो देखे, मुझे इंस्टीट्यूट में वीडियो दिखाए गए हैं, तो ये मेरी लिसनिंग की प्रैक्टिस हो रही है। जी नहीं, पहली बात तो टारगेटेड ऑडियो होना चाहिए। इसका क्या मतलब है कि अगर कोई N3 का क्वेश्चन है तो उस क्वेश्चन के जैसा ही क्वेश्चन होना चाहिए, या फिर वो कह सकते हैं कि पिछले साल के सैंपल पेपर्स को भी आप रेफ़र कर सकते हैं। एनीवेज, सबसे पहली बात कि अगर आपके पास ऐसा एक सेट है तो उसमें से कोई सा भी एक क्वेश्चन चुन लीजिए। मान लीजिए ओतोको नो हितो गा ओन्ना नो हितो तो हनाशिते मास, आपने सुना होगा जिन्होंने JLPT दिया है, हर क्वेश्चन का लगभग यही फॉर्मेट होता है। मेल और फीमेल आपस में बात कर रहे हैं, क्योंकि मेल की वॉइस अलग होती है, फीमेल की वॉइस अलग होती है, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई ये बात मेल ने बोली है और ये बात फीमेल ने बोली है। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आप मेरे इस वीडियो को फॉलो करने के लिए एक सैंपल के तौर पे रखिए। सबसे पहले स्टेप नंबर 1, आपको क्या करना है कि इस क्वेश्चन को बिल्कुल एक एग्जाम की तरह से सुनना है। मान लीजिए आप कुछ भी नहीं जानते हैं, मान लीजिए आप N3 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपका N4 लेवल है, आज आपने पहली बार N3 का क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने को स्टार्ट करा है, तो स्टेप नंबर 1 से आपको करना है, सबसे पहले उस क्वेश्चन को बिल्कुल JLPT फॉर्मेट की तरह, एक क्वेश्चन की तरह सुनना है, बिना पॉज करे, बिना रोके, बिना सोचे एक आंसर लगाना है, चाहे मुझे कुछ भी समझ नहीं आया, जितना मैंने ओवरऑल पिक्चर बना पाया और उसके हिसाब से मैंने आंसर निकाला 3 या आंसर निकाला 2, तो उसके बाद उसको चेक करना है कि क्या मेरा आंसर सही है या मेरा आंसर गलत है। यह है स्टेप नंबर 1। इससे कोई फायदा नहीं हुआ मैं जानता हूं, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 से बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसीजर शुरू हो जाएगा, बहुत ध्यान से सुनिए। देखिए, स्टेप नंबर 1, 2, 3, 4, इन चारों स्टेप्स में आपको यही ट्रैक दोबारा चलाना है, इसी ट्रैक की 4 बार प्रैक्टिस करनी है। कैसे? स्टेप नंबर 2 में अब आपको इसको पॉज करना है, हर सेंटेंस पर पॉज करना है और उस सेंटेंस को सोचना है, क्योंकि एक बार सेंटेंस, क्योंकि अभी हमें जापानीज लैंग्वेज उतनी नहीं आती है तो उस सेंटेंस से हमें इतना एकदम से सुन के नहीं समझ आया, तो कोई बात नहीं, आप 2 सेकंड लीजिए, सोचिए अच्छा इसका ये मीनिंग है, ओके, फिर एक और सेंटेंस उससे अगले वाला चलाइए और उसको पॉज करिए और फिर सोचिए कि अच्छा इसका ये मीनिंग है। तो एक बार फिर से उस क्वेश्चन को दोबारा पॉज कर करके सुनिए और फिर से एक आंसर निकालिए, हो सकता है आपका आंसर सही हो या फिर हो सकता है आपका आंसर गलत हो, लेकिन अभी भी कुछ केसेस में आपको पता चल जाएगा हाँ ये इसका ये मीनिंग था इसलिए मेरा गलत है, मेरा सही था, या फिर कभी कभी ऐसा भी होगा कि आपको अभी भी नहीं पता चल रहा है कि मेरी कहाँ गलती हुई है। इसके बाद आता है स्टेप नंबर 3, अब आपको अपनी गलती चेक करनी है उसके टेक्स्ट से,
जी हाँ उसके टेक्स्ट, फॉर एग्जांपल अगर ये सब मटेरियल नहीं है बेसिकली, जैसे हम अपने इंस्टीट्यूट में भी यही टेक्निक देते हैं और साथ में वो टारगेटेड ऑडियोज देते हैं और उसके साथ हम टेक्स्ट भी देते हैं, तो बेसिकली अगर आपके पास पहले तो आपको ये अरेंज करना पड़ेगा पर्टिनेंट मटेरियल, उसके बाद फिर इन स्टेप्स को आप फॉलो करके आप सिर्फ 3 महीने में या 4 महीने में अपने आप को पूरा एक लेवल की चौकाई, जो कि बहुत मुश्किल होता है लोगों के लिए, पूरा 1 साल के बाद भी उसमें आप परफेक्ट बन सकते हैं। तो थर्ड स्टेप ये है कि आपको फिर से सेम एक्टिविटी करनी है, लेकिन इस बार हर वर्ड पर पॉज करना है और उस वर्ड को टेक्स्ट से चेक करना है, उस वर्ड को टेक्स्ट से मैच कराना है, और फिर उसके बाद आपको जैसे कोई बहुत ही नया वर्ड आया है, मुझे तो पता ही नहीं था इसका मतलब, तो वहीं के वहीं उसको वैसे ही याद करना है, सुन के याद। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि सुन के याद करना बहुत इफेक्टिव होता है, अगर आप उसको देख के याद कर रहे हैं, देखिए देख के भी तो याद करा होगा ना हमने, कुरुमा गाको सेंसे गक्से, ये सब हमने देख के सुन के बोल के याद किया है। तो इसी तरह से नए वर्ड्स को भी अगर आप इन स्टेप्स में 4 बार सुन के याद कर लेते हैं तो वो सेम ही एक्टिविटी होती है, जो कि आपको बहुत ही शॉर्ट टाइम में बल्क वोकेबलरी आपकी बढ़ा देगी। थर्ड स्टेप जब खत्म हो जाए, यानी कि आपने स्क्रिप्ट से चेक कर लिया है और आपने स्क्रिप्ट से पूरी तरह से समझ लिया है, 90% आपका गेम खत्म, मतलब 90% इस चौकाई का गेम खत्म, कि आपको सारी वो चौकाई आ गई है, अब सच में आप उन वर्ड्स को किसी और चौकाई में किसी और उसमें आ गए तो आप उनको पहचान सकते हैं। वर्ड्स कहने का मतलब ये है कि साथ में जो एक्सप्रेशंस हैं, जो कुछ ग्रामेटिकल एक्सप्रेशंस होते हैं जो कभी कभी उस वर्ड से ही मैच, जैसे तोरी एक पैटर्न है, इसका मतलब होता है कि एज पर उसके हिसाब से, लेकिन वो जब नाउन के साथ जुड़ जाता है, ये होता है दोरी, तो वो तोरी का दोरी बन जाता है, तो एक तरह का पैटर्न है, तो इसको भी चौकाई से ही सीखिए, बेस्ट तरीका है कि अगर आप इस स्टेप को फॉलो करते हैं। देन फाइनली कम्स फोर्थ स्टेप, ये जो स्टेप है फिर से आपको सेम ही ट्रैक चलाना है और बिल्कुल सेम ही एक्टिविटी करनी है, अब आपको हर वर्ड पर रुकना है और उस वर्ड को अपने मुंह से बोलना है, ये एक्टिविटी आपकी, क्योंकि अभी तक आपने 90% चौकाई की प्रैक्टिस कर ली थी, अब आपकी 120%, जो कि 10% बची हुई चौकाई और बाकी का जो 20% है उसको कहते हैं काइवा। काइवा का पहला स्टेप चौकाई ही होता है, मैंने अपने काइवा वीडियोस में भी आपको सिखाया हुआ है। एनीवेज कोई बात नहीं, फिलहाल फटाफट फोर्थ स्टेप पर बढ़ते हैं कि अब आपको उसको बोलना है और बोलते बोलते 100% क्या मुझे सारा कुछ मीनिंग समझ आ रहा है, क्या ये मीनिंग जो मैं बोल रहा हूँ उसका मैं मीनिंग भी समझ पा रहा हूँ, यानी कि ये जो बात मैं बोल रहा हूँ ये मैं एक जैपनीज को जो मेरे सामने खड़ा है उसको बोल रहा हूँ, जैसे आश्ता दोकोनी की मास का सिंपल सेंटेंस है, कल आप कहाँ जाएंगे, तो वो आपको पूरा मीनिंग फील करते हुए बोलना है। देखिए डेली अगर आप ये एक्टिविटी करते हैं आधा घंटा या एक घंटा, प्लीज़ बिलीव मी, हर लेवल के लिए सिर्फ 3 महीने या फिर 4 महीने लगेंगे, आपको पूरा वो लेवल 100% आ जाएगा और चौकाई में आपके 60 में से जो 60 नंबर का सेक्शन होता है मोर देन 50 होंगे, अगर आपने ईमानदारी से लगभग 120 क्वेश्चंस या 130 क्वेश्चंस का सेट इन 4 स्टेप्स के साथ, देखिए ऑलरेडी 120 क्वेश्चन हमारे पास हैं, उनको हमने 4 बार सुना पॉज करके बोला ऑलरेडी, यानी कि 480 बार हम ये एक्टिविटी कर चुके हैं, तो कोई भी नहीं रोक सकता आपको चौकाई में या काइवा में, क्योंकि काइवा जो है वो इसी चीज़ से स्टार्ट होती है, ओरिजिन है, ये सीड है, ये बड है उसका, मतलब ये स्टार्ट है काइवा की। अगर आपको कहीं से भी काइवा करनी है तो प्लीज़ याद रखिए कि कोई भी काइवा कोर्स आप ज्वाइन करते हैं तो भी आपको यही अर्ज करेंगे कि आप बोलिए, और बोलिए का क्या मतलब है, बोलिए में भी काफ़ी सारी चीज़ें आती है, जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं कि सर मैं अपने आप ही ना बोलने की कोशिश कर रहा हूँ बोलने की, देखिए मैंने कई बार सिखाया कि गलत लैंग्वेज बोलते हैं बच्चे, और वो गलत लैंग्वेज क्यों है, क्योंकि वो अपने हिसाब से ही बोलते हैं और वो पक्का हो जाता है, तो अच्छा हुआ ना, ये तो बहुत अच्छा हुआ कि पक्का हो गया, तो इससे बस ये याद रखिए कि पक्का होना के लिए हमें 3-4 बार बस उसको बोलना है, अब बस इतना सा बच गया कि गलत ना हो, सही हो तो सही के लिए उसको कॉपी पेस्ट करिए, शुरू में आपको एक्टिविटी जो है वो कॉपी पेस्ट जैसी लगेगी, लेकिन बाद में आप असली लैंग्वेज जब बोलना शुरू कर देंगे N3 या फिर N2 तक जाते जाते, तो आपके करियर में बहुत बहुत, देखिए करियर की बात करें तो इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं, वीज़ा के लिए क्वेश्चंस होते हैं, अलग अलग टेस्ट होते हैं, JLPT नेट JPEG वगैरह, अब तो बहुत सारे टेस्ट आ गए हैं जो कि वीज़ा के लिए भी वैलिड होते हैं, जॉब्स के लिए भी वैलिड होते हैं, तो इन सब के लिए अभी से अगर आप एक्टिविटी करना शुरू करते हैं तो 2-3 महीने बाद आप उन लेवल उन लोगों के पास पहुंच जाएंगे, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था। सेकंड फायदा क्या है कि किसी को नहीं पता आपको पता है तो आप ये कर सकते हैं, और आज से अगर आप करना शुरू कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ सच में मैं प्रोफेशनल बनता जा रहा हूँ लिसनिंग में। आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ समझ आया होगा। कीप वॉचिंग आवर चैनल निहोंगोमैक्स, थैंक यू सो मच।